बहुत पहले एक फार्मर के पास एक डोंकी था। इस डोंकी ने कई साल काम किया इस फार्मर के पास, गेहूं की बोरियां लाद लाद के। उम्र बढ़ते बढ़ते डोंकी की ताकत में कमी हो चुकी थी। जब उसे एहसास हुआ कि अब वो बोरियां नहीं उठा पाएगा, वो फार्म छोड़ के चला गया सुबह सुबह। अब ताकत तो नहीं रही मुझ में, पर मेरी सुरीली आवाज तो है, क्यों ना मैं बर्मन जाके गाने गा के पैसे कमाऊं। रास्ते में उसे सोया हुआ एक हूंड डॉग मिला। ऐसे रास्ते में क्यों सो रहे हो भाई? मैं एक हूंड डॉग हूँ, उम्र बड़ी, स्पीड कम हो गई, अब मैं मालिक के साथ शिकार पे नहीं जाता। तो क्यों ना तुम फिर मेरे साथ आओ, मैं बर्मन जा रहा हूँ सिंगर बनने, मेरा बैंड ज्वाइन कर लो तुम। देखो मैं मैंडोलिन बजाऊंगा और तुम ड्रम बजाना। हाउंड डॉग को ये प्लान अच्छा लगा और वो डोंकी के साथ चल पड़ा। थोड़ी दूर जाते ही उन्हें एक घर के छत पे एक बिल्ली बैठी मिली। वो बड़ी उदास लग रही थी। क्या बात है बिल्ली रानी, बहुत दुखी आत्मा लग रही हो, क्या हुआ? अब बूढ़ी हो गई हूँ मैं, अब ना तेजी से दौड़ा जाता है ना दांतों से काटा जाता है। चूहे पकड़ना छोड़ के मैं फायर प्लेस पे आग सेकती रहती हूँ अलसा के, इसलिए मुझे उस आदमी ने घर से बाहर निकाल दिया। फिर तो तुम्हें हमारे साथ आना चाहिए। तुम्हारे साथ? तुम जा कहाँ रहे हो? बर्मन, वहाँ पर एक बैंड बनाएंगे और उसमें गाना गाएंगे। बिल्लियाँ जनरली अच्छी म्यूजिशियन होती हैं, तुम हारमोनिका बजाना बैंड में। ये सुनते ही बिल्ली ने छलांग लगाई और बैंड ज्वाइन कर लिया। इनकी तिगड़ी एक फार्म से गुजर रही थी, उन्हें एक मुर्गा दिखा जो खंबे पे बैठकर कुकड़ुकू कर रहा था। मुर्गा जी, दोपहर हो गई है, आज सुबह अलार्म लगाना भूल गए थे क्या? कल संडे है, मेरे मालिक ने कुछ दोस्तों को खाने पे बुलाया है, वो मेरा चिकन तंदूरी बना के खाने वाले हैं। तो यहाँ अटके क्यों हो, भाग क्यों नहीं जाते? मैं जाऊं भी तो कहाँ, आज लास्ट डे है मेरा, सोचा जी भर के कुकड़ुकू कर लूं। ठीक है, अपनी आवाज खर्च मत करो, हमारे साथ बर्मन चलो, हम एक बैंड बना रहे हैं और तुम्हारी स्ट्रॉन्ग आवाज पसंद आई हमें। मुर्गे को ये प्लान अच्छा लगा और वो उड़के उनके साथ चलने लगा, आगे आगे बाकी तीन, पीछे पीछे मुर्गा। आज रात हम आजादी से सोएंगे और कल एक नया सवेरा होगा। सोने से पहले मुर्गा उछलते कूदते पेड़ के ऊपर पहुंचा और वहां से कुछ देखा। मुझे यहां से रोशनी नजर आ रही है, लगता है पास में कोई घर है, तो चलो हम वहां चलते हैं, वैसे भी मुझे जंगल में सोने की आदत नहीं है। हाँ, वहां शायद एक आध हड्डी मिल जाए खाने को। ये चारों उस लाइट की तरफ चलते गए और आखिर में एक घर मिला उन्हें। सबसे लंबा था डोंकी, तो उसने खिड़की से देखा कि अंदर क्या है। कुछ दिख रहा है क्या? अरे भाइयों, गजब हो गया, यहाँ तो बहुत बड़ी डाइनिंग टेबल दिख रही है। वाह जी वाह, और उस पे ढेर सारी खाने पीने की चीजें भी हैं। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। चलो चलो, दवा बोलते हैं,
रुको, कुछ और भी है। चार बंदूक वाले डकैत जो मजे से खा पी रहे हैं, आप खाना कैसे खाएंगे? डकैत का नाम सुनके ही सब उदास हो गए। क्यों आना था इनको, मुझे इतनी भूख लग रही थी। चलो वापस जंगल में। यहाँ कुछ नहीं कर सकते, काश हम इन डकैतों को डरा सकते। अच्छा देखो, एक तरीका है भगाने का, अब ध्यान से सुनो। एक के ऊपर एक ये चढ़ गए चारों। और अचानक से चारों साथ में गाने लगे। ऐसी डरावनी आवाज बनी कि उसे सुनते ही डकैतों के तोते ही उड़ गए। चारों ने मिलके खिड़की तोड़ी और डोंकी कूदा अंदर धड़ाम से। भागो रे, जान ले लेंगे, बचाओ। अपनी बंदूक वहीं छोड़ छाड़ के डकैत भागे जान बचा के, और ये चार यार बड़े खुश हुए। जैसे सोचा था वैसा ही हुआ। अब टेबल पे जो खाना था उस पर ये चारों टूट पड़े। खाना खाके सब लोग सोने गए, थके हारे थे बेचारे। सब लाइट्स बंद करके सो गए। आधी रात हो चुकी थी। डकैतों ने देखा कि घर में लाइट नहीं है। उन्होंने अपने लंबू को भेजा घर के अंदर देखने। अंदर गया तो बिल्कुल अंधेरा था और उसे रोशनी चाहिए थी। उसने माचिस जलाई और बिल्ली उस पर कूदी। उसे खरोचा और हाउंड डॉग ने उसके पैर पे काटा। शोर से घबराकर मुर्गा उठा और जोर जोर से कुकड़ुकू करने लगा। जैसे ही डकैत भागने लगा, बाहर खड़े डोंकी ने उसे जोर की लात मारी। डरा और घबराया हुआ डकैत अपने दोस्तों के पास गया और बोला, अरे उस घर में चार राक्षस हैं, उन्होंने मुझ पे हमला किया। डकैत सारे दुम दबा के भागे वहां से और दोबारा कभी वहां आने की बात नहीं सोची। हमारे चार बैमिन म्यूजिशियंस को ये घर बिल्कुल घर सा अपना लगा, तो उन्होंने सोचा कि ब्रह्मिन जाना ही क्यों, क्यों ना सब मिलके यही रहे। ये चारों पूरी जिंदगी यही रहे गाते बजाते हुए। एक समय की बात है, एक छोटी सी लड़की थी। वो हमेशा एक रेड कलर की राइडिंग हुड पहनती थी, इसलिए सब उसे लिटिल रेड राइडिंग हुड बुलाते थे। बेटी। हाँ मम्मी। तुम्हारी नानी माँ बीमार है ना, तुम उनके लिए ये ताजा कुकीज और जड़ी बूटी लेके जाओगी? बिल्कुल ले जाऊंगी मैं मम्मी। हमेशा की तरह अपना रेड राइडिंग हुड पहनी हुई वो अपनी नानी के घर को चल पड़ी। बनी फॉरेस्ट के रास्ते से नीचे मत उतरना बेटी। लिटिल रेड राइडिंग हुड हंसते गाते अपने रास्ते जा रही थी। पता नहीं इसे बनी फॉरेस्ट क्यों कहते हैं, मैंने तो एक भी बनी नहीं देखी अभी तक। फूलों से भरे रास्ते पे पहुंची।
रंग बिरंगे कई तरह के फूल थे। नानी के लिए कुछ फूल ले जाती हूँ, बड़ी खुश हो जाएंगी वो। फूल चुनते हुए ध्यान नहीं रहा कि वो अपने रास्ते से नीचे उतर गई थी। तभी उसे झाड़ियों से एक आवाज आई। अचानक एक बड़ा भेड़िया उसके सामने आया। उसको देख के लिटिल रेड राइडिंग हुड इतना डर गई थी कि उसके हाथ से बास्केट गिर गई। भेड़िया ने फटाफट बास्केट से कुकीज उठाए और वापस लिटिल रेड राइडिंग हुड को दे दिया। भेड़िये की इस अच्छाई से लिटिल रेड राइडिंग हुड बहुत खुश हुई। थैंक यू। अरे तुम कहाँ जा रही हो बच्ची? नानी के घर, इस जंगल के आखिर में जो येलो कलर का घर है वो ही। उनकी तबीयत खराब है इसलिए मैं उनके लिए कुकीज और जड़ी बूटी लेके जा रही हूँ। तुम मुझे लिटिल रेड राइडिंग हुड बुला सकते हो? तो मैं पहले जाकर तुम्हारी नानी को बता देता हूँ कि तुम आ रही हो और तुम आराम से फूल लेके आ जाना। तभी उसे किसी शिकारी की गोली की आवाज आई और वो उड़नछू हो गया। लिटिल रेड राइडिंग हुड को एकदम से रोना आ गया क्योंकि वो खो गई थी। उसका रोना सुन के शिकारी उसके पास आया। तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? यहाँ बहुत खतरा है। मैं खूंखार भेड़ियो को ढूंढ रहा हूँ, काफी वक्त से मुझसे भाग रहा है वो। लिटिल रेड राइडिंग हुड शर्मिंदा थी क्योंकि उसने अपनी मम्मी की बात नहीं मानी, इसलिए वो शिकारी को नहीं बताना चाहती थी कि उसने भेड़िये को देखा है। मैं तो बस, मेरी नानी माँ बीमार है, कुकीज ले जा रही थी और रास्ते में खो गई। तो मैं तुम्हें तुम्हारे नानी के घर छोड़ देता हूँ। वो साथ साथ चल पड़े और तब ही भेड़िया भी नानी माँ के घर पहुंचा और दरवाजे पे नॉक किया। नानी माँ ने पुकारा, कौन है भाई? मैं हूँ नानी माँ, लिटिल रेड राइडिंग हुड। मैंने कुकीज और जड़ी बूटी लाई है आपके लिए। दरवाजा खुला है बेटी, अंदर आ जाओ। भेड़िया अंदर घुस गया। थोड़ी देर बाद लिटिल रेड राइडिंग हुड और शिकारी नानी माँ के घर पहुंचे। अब तुम जाओ बच्ची, अपनी नानी के पास जाओ। शिकारी अपने रास्ते लौट गया। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने दरवाजे पे नॉक किया। कौन है भाई? मैं हूँ नानी माँ, लिटिल रेड राइडिंग हुड। दरवाजा खुला है बेटी, अंदर आ जाओ। लिटिल रेड राइडिंग हुड कुछ पल के लिए हिचकिचाई क्योंकि ये आवाज नानी माँ से थोड़ी अलग लग रही थी। तब ध्यान आया कि नानी माँ तो बीमार थी। बीमार है ना नानी माँ, इसलिए उनकी आवाज ऐसे आ रही है। वो दरवाजा खोल के अंदर गई। भेड़िया सारे कपड़े, टोपी और चश्मा भी नानी माँ के पहनकर बिस्तर पे लेटा था। उसने पर्दे खींच कर अंदर अंधेरा रखा था ताकि लिटिल रेड राइडिंग हुड उसे देख ना सके। प्यारी बच्ची, इतनी दूर चल के तुम मेरे लिए खाना लेके आई, पास तो आओ बेटी, तुमसे गले तो मिलूं। जल्दी आओ, इतनी दूर क्यों हो? लिटिल रेड राइडिंग हुड ने बास्केट नीचे रखा पर ज्यादा पास नहीं गई क्योंकि नानी माँ कुछ अलग सी दिख रही थी। आपके हाथ इतने लंबे कैसे हो गए? ताकि तुम्हारा हाथ थाम सकूं।
और इतने बड़े कान? तुम्हारी प्यारी आवाज सुनने के लिए। बड़ी बड़ी आंखें? तुम्हें जी भर के देखने के लिए। और ऐसे नुकीले दांत नानी माँ? तुम्हें चबा चबा के खाने के लिए। भेड़िया कूदा लिटिल रेड राइडिंग हुड की तरफ। तब लिटिल रेड राइडिंग हुड को मालूम हुआ कि बिस्तर पर नानी माँ नहीं बल्कि वो खूंखार भेड़िया था। बचाओ मुझे, बचाओ, बचाओ मुझे। शिकारी तक उसकी आवाज पहुंची और वो दौड़कर उस घर तक गया। दरवाजे के अंदर जाके भेड़िये को पकड़ा। आखिरकार तू पकड़ा ही गया भेड़िये, अब तू चल यहाँ से, देखता हूँ तुझे। शिकारी ने भेड़िये के पेट से नानी माँ को बाहर निकाला। हमें बचाने का बहुत बहुत शुक्रिया शिकारी अंकल। कोई बात नहीं बच्ची, पर वादा करो कि तुम हमेशा मम्मी की बात मानोगी। नानी माँ को इतनी भूख लग रही थी कि उन्होंने सारी कुकीज खाई, जड़ी बूटी की दवा बनाई और फटाफट से ठीक हो गईं। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने वादा किया कि किसी खूंखार भेड़िये की बातों में वो कभी नहीं आएगी। लिटिल रेड राइडिंग हुड एक बार जंगल में खेल रही थी, वो भी अकेली, और तभी उसके सामने फिर से वही भेड़िया मिला। भेड़िये को शिकारी ने जंगल की सफाई करने की सजा दी थी। लिटिल रेड राइडिंग हुड को देखते ही उसे अपनी कर्मी पे शर्मिंदगी महसूस हुई। बनी फॉरेस्ट भर गया एक बार फिर से खुशियों, बनीज और फूलों से, बिल्कुल वैसा जैसे पहले हुआ करता था। हमारी प्यारी जल परी। महासागर की गहराइयों में बहुत कुछ छिपा था जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। बड़े बड़े वेल्स, शरारती डॉल्फिन्स और रेनबो के हर कलर की मछलियां। उससे भी नीचे जहां सूरज की किरण भी नहीं पहुंचती थी, वहां था डीप सी किंगडम। वहां के लोग अन्य प्राणियों के साथ बड़े ही प्रेम से रहते थे। वहां के बादशाह अपनी माँ और 6 बेटियों के साथ रहते थे और समुंदरों पर राज करते थे। बादशाह को अपनी बेटियों से बेहद प्यार था। उन्हें डर था कि कभी ना कभी जमीन के लोग उनकी बेटियों को नुकसान पहुंचाएंगे, इसलिए उन्हें पानी के ऊपरी हिस्से में तैरने की परमिशन नहीं थी। सागर के बाहर रहने वाले सारे मनुष्य बुरे हैं। वो लोग बुरे क्यों हैं डैडी? क्योंकि मनुष्य सागर को गंदा करते हैं और उसमें रहने वाले प्राणियों को मार डालते हैं। प्यारी जलपरी को जानना था कि जमीन पे रहने वाले लोग कैसे होते हैं। उसकी बहनों से सुनी हुई कहानियाँ काफी नहीं थी। उसकी दादी भी उसे मनुष्यों से दूर रहने को कहती थी, और वो कहती थी सी गेट से वो तभी बाहर जा सकती है जब वो राजकुमारी बन जाए और अपनी बहनों जितनी बड़ी हो जाए। प्यारी जलपरी ने जब अपनी बहनों को बाहर जाते हुए देखा तो उसने भी ठान लिया कि वो भी बाहर जाएगी। पर कैसे? वो डॉल्फिन के साथ हिमरन वेल से मिलने गई। हिमरन को सी गेट के अंदर बाहर जाने की पूरी आजादी थी। उसने हिमरन को अपना पूरा प्लान बताया, पर हिमरन ने उसे मानने से मना कर दिया। भाई बादशाह से कौन पंगा लेगा? पर फिर उसे उसकी हालत पे दया आ गई और उसकी मदद करने को तैयार हो गई। हिमरन और डॉल्फिन सी गेट पर गए। उन्हें देख गार्ड्स ने उन्हें जाने दिया बिना किसी सवाल के। वहां से काफी दूर जाके
हिमरन ने अपना बड़ा सा मुंह खोला और अंदर से निकली हमारी प्यारी जलपरी एरियल। एरियल हिमरन की मदद से सागर के ऊपर तक आ गई। उसने पहली बार हवा को महसूस किया, नीला आकाश देखा। क्या बात है! उसी पल एरियल को म्यूजिक सुनाई दिया। कहां से आ रही थी ये धुन? उसने देखा पास ही एक बड़ी सी शिप थी। उसने पहली बार एक शिप को देखा। ये शिप है ना? चलो चले। डॉल्फिन उसे कहती रह गई ना जाने को, पर वो दूर निकल गई थी। तेजी से जा रही थी वो शिप की ओर। ये शिप किसी बादशाह की थी। वो अपने बेटे प्रिंस एरिक का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। वो अपने बेटे की शादी जल्द से जल्द करवाना चाहते थे, तभी तो सारी सिंगल प्रिंसेसेस को पार्टी में बुलाया गया था। ये तो प्रिंस है और मनुष्य भी, डॉल्फिन ने फिर से वार्निंग दी। एरियल ने प्रिंस की धुन पे बड़ी खूबसूरती से गाया। प्रिंस को आवाज बहुत अच्छी लगी, पर ये आ कहां से रही है? तुम छुप जाओ एरियल, वरना तुम्हें देख लेंगे, डॉल्फिन ने कहा। प्यारी जलपरी और डॉल्फिन दोनों पानी के अंदर चले गए, सागर की गहराइयों में, सी किंगडम के अंदर। सागर की जादूगरनी सब देख रही थी अपने क्रिस्टल बॉल में। आ गए वो दिन, महासागर के बादशाह की बेटी एक मनुष्य के साथ। तूफान आ जाओ, तबाही मचा जाओ, सागर के ऊपर अपना जोर दिखा जाओ, दिखा जाओ। जादूगरनी के ऐसा कहते ही भयंकर लहरें प्रिंस की शिप की तरफ बढ़ने लगी और वो पत्थरों की तरफ जाने लगी। प्यारी जलपरी को ये देखकर बहुत फिक्र होने लगी। ये शिप तो टकरा के टूट के डूब जाएगी, हमें उनकी मदद करनी होगी। जलपरी को डूबे हुए शिप के पास तैरते हुए प्रिंस का फ्लूट मिलता है और फिर दिखते हैं प्रिंस डूबते हुए। वो उसे हाथों हाथ खींच के तैरते हुए सी शोर पे लाती है। उठ जाओ प्लीज, उठो। प्रिंस को होश आता है और वो धीरे से अपनी आंखें खोलता है। तुम जिंदा हो, प्यारी जलपरी खुश होके बोली। दूर से कुत्ते के भौंकने की आवाज सुन के उसे ध्यान आया कि वो कहाँ है और वो सागर में कूद गई। प्रिंस का एक हेल्पर और एक प्रिंसेस वहाँ आए उसे ढूंढते हुए। एक लड़की ने मुझे बचाया, मैंने उसकी आवाज पहले भी सुनी है, बहुत ही सुकून वाली आवाज थी। जलपरी वापस डीप सी किंगडम में आ चुकी थी। प्रिंस का फ्लूट उसके पास ही था, उन्हीं के बारे में सोच रही थी वो। तभी बादशाह वहां आते हैं और उन्हें वो फ्लूट दिखता है। उसे देखते ही उन्हें पता लग गया कि ये मनुष्य का है। हमारे कुछ नियम हैं और सभी को उनका पालन करना चाहिए, खासकर मेरे बच्चों को। क्या ये सच है कि तुमने किसी मनुष्य को डूबने से बचाया? मुझे बचाना पड़ा, वरना वो वहीं मर जाते, एरियल ने पलट कर जवाब दिया। बस करो, मनुष्य बुरे होते हैं, उनकी दुनिया और हमारी दुनिया के बीच कोई भी रिश्ता नहीं बन सकता। गुस्से से लाल बादशाह के जाते ही एरियल ने ठान ली कि अब तो करना ही है। एरियल सीधे गई सागर की जादूगरनी के पास और उससे मदद मांगी। मदद तो वो कर देगी, पर बदले में उसे अपनी फीस चाहिए।
बहुत महंगी फीस। मैं एक दवाई बनाऊंगी जो तुम्हें मनुष्य बना देगी। तुम्हारे दो पैर निकल आएंगे, बदले में मुझे तुम्हारी आवाज चाहिए। मेरी आवाज? लेकिन मेरी आवाज के बिना? थक हार के प्यारी जलपरी मान ही गई, क्योंकि उसके लिए उसका प्रिंस से मिलना बहुत जरूरी था। याद रखना, तीसरे दिन के खत्म होने तक, यानी चौथे सूर्योदय से पहले प्रिंस तुम्हारे प्यार में होना चाहिए, वरना तुम वापस से जलपरी बन जाओगी और प्रिंस तुम्हारा कभी नहीं होगा। एरियल वो दवा घूंट घूंट कर पी गई। वो सागर के ऊपर की तरफ तैर के जाने लगी। धीरे धीरे उसके पैर निकल आए, बिल्कुल मनुष्य की तरह। डॉल्फिन के साथ वो सी शोर पे पहुंची। उसके वहां पहुंचते ही प्रिंस की नजर उस पर पड़ी और वो उसके पास आया। तुम कहीं मिले हैं ना हम? हाँ, बिल्कुल मिले हैं। एरियल कुछ बोल तो नहीं सकती थी, पर उसने प्रिंस को उसका फ्लूट जरूर दिया। प्रिंस ने उस दिन वाली धुन फिर से बजाई। एरियल ने इशारा किया कि ये धुन उसने पहले भी सुनी है। यही बजाते हुए मैंने तुम्हें देखा था और तुम्हारी आवाज सुनी थी, और फिर तुमने मुझे डूबने से बचाया था। तुम्ही को ढूंढ रहा था मैं। प्रिंस को पूरा यकीन था कि वो लड़की एरियल ही थी जिसने उसे बचाया, पर वो लड़की तो एक जलपरी थी और उसकी खूबसूरत आवाज भी थी। एरियल बेचारी चाहकर भी ना बोल पाई अपनी आवाज जो वो दे आई थी। मुझे लगा तुम एक जलपरी हो। प्रिंस को लगा कि ये वो लड़की नहीं है जिसने उसे बचाया था, फिर भी उन्होंने उसकी मदद करने की ठानी। प्रिंस प्यारी जलपरी को अपने महल ले गए। बादशाह ने शादी की तैयारी करने का हुक्म दिया। वो अपने बेटे की शादी एक प्रिंसेस से कराने वाले थे। बेचारी जलपरी अब चुपचाप देखने के अलावा कुछ कर भी तो नहीं सकती थी। जब तक बोले नहीं, प्रिंस को पता कैसे चलेगा? उसे जादूगरनी की बात याद आई। याद रखना, तीसरे दिन के खत्म होने तक, यानी चौथे सूर्योदय से पहले प्रिंस तुम्हारे प्यार में होना चाहिए, वरना तुम वापस से जलपरी बन जाओगी और प्रिंस तुम्हारा कभी नहीं होगा। देखते ही देखते पहले दो दिन बीत गए, अब तीसरा दिन आ गया। इस दिन बादशाह और उनकी बेगम अपने बेटे की शादी पड़ोसी राज्य की प्रिंसेस से करवाने निकल गए। बेचारी एरियल बोल ही ना पाई प्रिंस से कि वही है वो जिसे वो ढूंढ रहे थे। प्रिंस ने मान लिया कि जो भी उन्होंने देखा वो एक सपना था। एरियल की सिर्फ एक ही उम्मीद थी, प्रिंस के लिए उसकी चाहत। चौथे दिन का सूरज उगने वाला था। एरियल का रोना रुक नहीं रहा था, और तभी कुछ जादू सा हुआ। पहले उसकी सभी बहनें आईं और फिर आई उसकी दादी माँ। मेरी प्यारी पोती, हम यहाँ आए हैं उस जादूगरनी की कैद से तुम्हें निकाल ले। और तभी उसके पिता महासागर के बादशाह प्रकट हुए। उनसे अपनी बेटी का गम सहा नहीं गया। एरियल मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। जाओ मेरी बच्ची। बादशाह ने अपना त्रिशूल दादी माँ के हाथ में रखे एक शंख पर फिराया जिसमें एरियल की आवाज कैद थी, और एरियल की आवाज लौट आई। थैंक यू दादी माँ, थैंक यू डैडी, आप लोग सब कितने अच्छे हैं। हिमरन वेल के पीठ पर सवार होके वो प्रिंस की शिप की तरफ रवाना हुई। प्रिंस और प्रिंसेस की शादी होने वाली थी कि प्रिंस अचानक रुक गए। उन्हें जलपरी की मधुर आवाज सुनाई दी।
उसे अपनी तरफ आते हुए देखकर बिना झिझक के प्रिंस सागर में कूद गए। अपने दोस्तों और परिवारों की मदद से एरियल को उसकी आवाज वापस मिल गई और उसका प्रिंस भी। पर अब वो जलपरी नहीं थी, वो अपनी जिंदगी बिताने वाली थी मनुष्य बनकर। एरियल और प्रिंस की दुनिया बसी दोस्ती, शांति और प्रेम के पैगाम के साथ जमीन और सागर के बीच।